कोरोना वायरस की वजह से देश में हुए लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूर अपने राज्य के लिए निकले। 1188 प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन द्वारा किए गए खास इंतजाम। देश में हुए लॉकडाउन की वजह से अमृतसर में फंसे प्रवासी मजदूरों की आखिरकार आज दूसरी बार घर वापसी हो गई। आज ट्रेन द्वारा बरौनी के लिए 12 बजे रवाना हुए हैं। ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से अमृतसर में फंसे हुए थे। इन प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं गुरदासपुर से चला हूँ, अमृतसर आया हूँ। उसके बाद यहाँ टिकट फ्री मिला है, खाना वाना सब कुछ मिल चुका है। यहाँ की कोई दिक्कत नहीं, सरकार बहुत अच्छी है। पंजाब की सरकार बिहार भेजने की तैयारी कर रहे बढ़िया से, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ट्रेन उड़े में हम सबको बढ़िया तरह से बैठा दिया गया है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। रिक्शा है, मैं पंजाब से बिहार जा रहा हूँ, जिसमें कि हमारे को पंजाब सरकार ने टिकट सुविधा हर कुछ खाने पीने का मुफ्त फ्री दिया, फ्री सेवा दिया है। और हम 4 साथी हैं, सभी को फ्री टिकट मिला है, फ्री खाना पीना सारा कुछ मिला है। आज मिति 10 तारीख को बरौनी गई है जी साड़ी ट्रेन प्रवासी भरावां नूं नाल लै के। अबाउट 1168 बंदे, इस तो अलावा कुछ बच्चे भी इस ट्रेन दे विच बरौनी अपने जा रहे हैं। इहदे लई असीं 4 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए सीगे। सारे इन्हां प्रवासी मजदूरों का मैडिकल टैसट होया हैगा। इन्हां नूं सरकार वालों जिहड़ी टिकट दित्ती गई है, नाल खाने के पैकेट है, पानी की बॉटल दिती गई है। मैनूं बड़ी खुशी हुई जदों असीं विदा करन आए, सारे ही साढ़े प्रवासी भरा बड़े खुश सीगे एंड उन्होंने तालियां मार के जिहड़ा प्रशासन का धन्नवाद दिता हैगा। अज एक होर ट्रेन शाम को 6 बजे चलनी है। मैनूं उम्मीद है इसी उत्साह इसी खुशी नाल जिहड़ा इस उस ट्रेन नूं भी असीं जिहड़ा रवाना करांगे। कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट, लाइव भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।